सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 जो है वो इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर होने वाला है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब मैं बात करूंगा कि 2024 कैसे आप अपना 2024 वन ऑफ द बेस्ट ईयर बना सकते हो। देखो, जो लोग इस साल पास आउट होने वाले हैं, चाहे बीटेक हैं, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई हैं, बीसीए है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो इस साल पास आउट होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, तो आप फाइनल ईयर को बहुत अच्छा बना सकते हो गाइस। देखो, अगर फाइनल ईयर के बाद जॉब लग जाए तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ईयर है आपके लिए। और इस साल मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 4-5 महीनों से लगातार कंटिन्यू वे में आप लोगों को बताया है कि भाई जो ये साल है 2024 वन ऑफ द बेस्ट ईयर क्यों होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई होने वाली हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रही हैं। देखो, देश में ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों में भी अवेयरनेस है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता रहती थी। अब कोई भी एक छोटा सा काम होता, कोई नेता भी करता ना, घर घर तक वो बात पहुंच जाती है। तो सच्चाई आप नहीं छुपा सकते, जो हकीकत है वो सबके सामने रखना पड़ेगा। तो उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ईवी की मार्केट, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, ईवी में लगभग 15 लाख से 30 लाख गाड़ियां तक बुक हुई हैं ईवी 2024 में। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसको डिलीवरी, उसको सेल्स, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए। उसी तरह जो घर नहीं बिक रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी कई गुना बढ़ गया है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया घर खरीदने में, घर लेने में। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, कितनी चीज़ें पॉजिटिव मोड में ऑन होने वाली हैं। तो आई थिंक आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। और 2024 में अपने स्किल पे फोकस करिए। हमेशा मैं बात कर रहा हूँ स्किल, नॉलेज, इन सब चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, टेक्निकल स्किल आपकी अच्छी होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी है लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलने आता है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में पीछे रह जाओगे ना तो ज़माने से पीछे रह जाओगे। 2024 में आ गए हो यार, कम ऑन, आपको मतलब पीछे क्या हुआ उससे कोई लेना देना, पीछे जो चीज़ें गई गई, ठीक है, इट्स ओके। अभी करंट टाइम में क्या चल रहा है, कैसे अपने प्रेजेंट को सुधारना है, कैसे अपने प्रेजेंट को लेकर के आगे जाना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब उस चीज़ पर आप बात करोगे, उस चीज़ को जानोगे, ऑब्वियसली आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप नहीं बात करोगे, देखो एनालिसिस करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। अगर एनालिसिस नहीं करते हो कि भाई हमारा क्या लैकिंग पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत घूमिए, ओवर कॉन्फिडेंस आपका करियर खा जाएगा। आपकी क्या कमियां हैं उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप बड़े बड़े क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, इन सबको ले लो, ये लोग कमियां दूसरों से पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या मैं करूँ कि बहुत अच्छा हो जाए मेरे लिए। तो गाइज़, वन ऑफ द बेस्ट ईयर बनाइए 2024 को। और ये सब देखो कोई और नहीं कर सकता है, अपनी लाइफ के मालिक आप ही हैं कि भाई आपको कैसे जीना है, कैसे लेके आगे जाना है, किस तरह से करियर आगे जाएगा, किस तरह से चीज़ें आपके लिए होंगी, तो उसके मालिक आप ही हैं और आप ही अपने करियर को आगे लेकर के जा सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे लेकर के जा रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि भाई देखो, ये जो 2024 है इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंडस्ट्री दोनों में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आप ये माइंड सेट करके कल चल लो, जहाँ पे आपको बेहतर लग जाए, जहाँ पे चीज़ें लगे कि नहीं मैं यहाँ बेहतर कर सकता हूँ, वहाँ भी करिए। वीडियो में इतना ही, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर में किस तरह आगे बढ़ें, करियर को किस तरह आगे लेकर के जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जा करके एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और अपना 2024 वन ऑफ द बेस्ट ईयर बनाइए। थैंक यू।